खबर आपको दें, स्टेज अदाकारा नरगिस ने बड़ा ऐलान किया है। अदाकारा नरगिस ने शोबीज की दुनिया को हमेशा के लिए खैर बात कह दिया है। नरगिस का कहना है कि मेरे खानदान में अगर कोई शोबीज में आया तो उसका बायकॉट कर दूंगी। नरगिस ने लाहौर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शोबीज छोड़ने का ऐलान करती हूँ। तफसीली इंटरव्यू रात 10 बजे लाहौर न्यूज पर नशर किया जाएगा। सच्ची में शायद कोई माने या ना माने, मैंने बहुत घर में जो है उसकी मुखालफत की थी, लेकिन वो फिर भी आ गई। उसके बाद शुक्र शुक्र करके उसने भी छोड़ा, मैंने भी छोड़ा। तो आप क्यों चाहते हैं कि हम दोबारा से आएँ? अल्लाह ना करे हम आएँ। बहुत अच्छा काम कर लिया, बड़ी इज्जत से कर लिया, तब अच्छा काम था, अच्छे लोग थे, अच्छा दौर था। अब मैं नहीं चाहती कि हमारे ख़ानदान से कोई भी आए, और अगर आ गया तो समझे मैं खानदान से अलग हो जाऊं। तफसीलात जानेंगे इस हवाले से मुजाहिद शेख से। मुजाहिद शेख, नरगिस ने शोबिज को खैर बात कह दिया है आपसे गुफ्तगू करते हुए। जी बिल्कुल, अदाकारा नरगिस जो काफी 22 बरस से शोबिज की दुनिया से वाबस्ता थी और उन्होंने फिल्म, स्टेज और टीवी पर जो है काफी काम किया, और बतौर रकासा जो है वो अपना मुनफरिद मुकाम जो है उन्होंने बनाया। लाहौर न्यूज के खसूसी प्रोग्राम जो चांद रात स्पेशल आज रात 10 बजे चलाएगा, उसमें उन्होंने बाकायदा इस बात का ऐलान किया है कि वो शुक्रगुजार हैं कि उनकी छोटी बहन और अदाकारा और कासा दीदार, उन्होंने शोबिज को खैर बात कह दिया और उन्होंने खुद भी शोबिज की दुनिया को हमेशा के लिए खैर बात कह दिया। अदाकारा नरगिस का ये भी कहना था कि उन्होंने उनकी ये भी ख्वाहिश है कि उनके खानदान में से अब कोई भी शोबिज की दुनिया में ना आए, और अगर उनके बाद कोई शोबिज की दुनिया में वाबस्ता होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो उसको भी उसका भी वो बाकायदा बायकॉट कर देंगी। उनका ये कहना था कि जो थिएटर की दुनिया है वहां पर जो उनका एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं रहा, और फिल्म और टीवी समेत उन्होंने तमाम चीजों को खैर बात कहने का ऐलान जो है मेहमान के हाथ पे। मुजाहिद शेख।